शनि सांभवी पर भारी पड़ेगा या सांभवी शनि पर पड़ेगा? लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे तो लगता है संभवी पे शनि मंडराया हुआ है अभी तक तो। अच्छा, अगर बताया जाए तो संभवी चौधरी लीड कर जाएंगे रोसड़ा विधानसभा। संभवी चौधरी लीड कर जाएंगे। चल रहा है कि प्योर दलित वर्सेस बनावटी दलित, तो चूंकि महेश्वर हजारी तो प्योर दलित निकले इस मैटर में। हमारे बगल में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये समस्तीपुर लोकसभा से जुड़े हुए व्यक्ति है। समस्तीपुर के हर एक गतिविधि जो होते हैं, जो भी लोकसभा के गतिविधि है, चुनाव के जो भी गतिविधि होते हैं, उस पे ये नजर रखते हैं। पूरा समस्तीपुर लोकसभा में इन्होंने भ्रमण भी करते हैं और समस्तीपुर के विकास के लिए ये अपना आवाज भी उठाते हैं समाज सेवी कार्यकर्ता के रूप में। तो इनसे जानने की आखिर प्रयास करते हैं कि इस बार समस्तीपुर लोकसभा का समीकरण क्या रहेगा। आपको स्वागत है सर। पहले आपको और आपके दर्शक का भी धन्यवाद अभिव्यक्त करते हैं। हाँ, ये बिहार की बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि लोग विकास और मुद्दे की बात नहीं करके जातिगत आधारित राजनीति भी होती है, ये छुपी हुई बात नहीं है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आप जातिगत आधारित संरचना की बात समस्तीपुर का करेंगे तो दो गठबंधन है, एक इंडिया और एक इंडिया गठबंधन है जो आपस में लड़ रही है, जो मुख्य गठबंधन है। तो अगर आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सनी हजारी के बारे में बात करें, इंडिया गठबंधन के बात करेंगे, तो वो जो है इंडिया गठबंधन के पार्ट में है। तो उसमें अगर चुनावी समीकरण की बात करेंगे तो इसमें लालू यादव हैं, मुकेश सहनी है और कांग्रेस पार्टी है। तो चूंकि लालू यादव के एक और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो अगर लालू यादव के नाम पे मुझे लगता है कि 90% यादव लगभग वोट दे देंगे सनी हजारी को। अगर 95% वोट आपको मुस्लिम भी दे देंगे बीजेपी के डर से। उसके बाद मुकेश सहनी इस पार्टी में आने से, मुकेश सहनी के वजह से इंडिया गठबंधन बिहार में थोड़ा और मजबूत हुआ है। जो हमारे सहनी समाज के लोग हैं, इस मुकेश सहनी के पार्टी में आने से उनका भी झुकाव इंडिया गठबंधन के ओर बढ़ा है। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि 50% के आसपास कम से कम तो जरूर सहनी समाज के लोग हैं जो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। तो इस समीकरण को देखते हुए जातिगत समीकरण हो गया ये। पासवान समुदाय के नहीं बताया। हाँ, पासवान समुदाय को भी अगर देखेंगे तो चूंकि मुद्दा चल रहा है कि प्योर दलित वर्सेस बनावटी दलित, तो चूंकि महेश्वर हजारी तो प्योर दलित निकले इस मैटर में, तो 50% कम से कम उनका भी वोट ट्रांसफर जो पासवान समुदाय के हैं वो भी इंडिया गठबंधन के हो जाएंगे। उसके बाद अगर क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रगत आधार पर अगर हम चुनावी विश्लेषण करें तो मुझे लगता है कि महेश्वर हजारी अमन भूषण हजारी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। तो कुशेश्वर स्थान भी विधानसभा भी अच्छे बहुमत से लीड कर जाएंगे। कौन लीड करेंगे? इंडिया गठबंधन, सनी हजारी लीड कर जाएंगे। उसके बाद महेश्वर हजारी कल्याणपुर विधानसभा से खुद विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ भी बहुत अच्छे बहुमत से लीड कर जाएंगे। खानपुर के सनी हजारी खुद प्रमुख हैं, तो वहाँ से भी प्रमुख हैं, तो वो वैसे भी जीते हुए कैंडिडेट हैं, तो वहाँ से भी लीड कर ही जाएंगे। और चूंकि खास करके आप कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात करेंगे तो इससे पहले जो सांसद रहे हैं वो प्रिंस राज रहे हैं, वो भी एनडीए गठबंधन के पार्ट थे, उसी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक नाव दुर्घटना हुई थी, इसी साइड हुआ था, दरसापुर ऐसा कुछ गांव हाट पे आते हुए लोगों का, जिसमें 7-8 आदमी की मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस पर अपना विचार रखे थे और लोगों के लिए जो भी मुआवजा होते हैं उनके लिए अनाउंसमेंट किए हुए थे। लेकिन ये कितनी आश्चर्य और कितनी विडंबना की बात है कि जिस संसदीय क्षेत्र में यह घटना हुई उसके जो सांसद प्रिंस राज थे वो निर्लज्ज व्यक्ति आकर उस परिवार के पास आकर एक हमदर्दी तक नहीं जता सके। तो वो कुशेश्वर स्थान विधानसभा की बात या क्या कहते हैं समस्तीपुर लोकसभा की विकास की बात तो उनसे किया ही नहीं जा सकता है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता है। तो उसी के पार्टी के लोग ये भी हैं, तो कुछ ना कुछ उनका जो कुकर्म किया हुआ है तो पाप का हांडी जो भरा है तो कुछ ना भोगना तो पड़ेगा है, क्योंकि विश्वास तो उठ गया है। तो उठ गया है तो अच्छी कैंडिडेट भी आएंगे तो प्रश्न चिन्ह तो विधानसभा का क्या स्थिति रहेगा? रोसड़ा विधानसभा की बात करेंगे तो मेरे जो भी सूत्र हैं या जो भी मेरा युवा का टीम है, मुझे लगता है वहां से निष्पक्ष अगर बताया जाए तो संभवी चौधरी लीड कर जाएंगे रोसड़ा विधानसभा। संभवी चौधरी लीड कर जाएंगे। से पहले समस्तीपुर का सांसद भी रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी किया है जैसा कि लोगों ने बताया है। हाँ, ये सही बात है कि जो समस्तीपुर लोकसभा के क्षेत्र हैं उनमें महेश्वर हजारी का काम है, काम किया हुआ है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, लोगों को काम है। और चूंकि जमीनी नेता हैं, जमीनी लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका व्यक्तिगत संबंध भी है सबसे, एक अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, तो इसका फायदा तो उनके बेटे को मिलने ही वाला है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे समस्तीपुर लोकसभा से,
क्या आपको लगता है शनि सांभवी पर भारी पड़ेगा या सांभवी शनि पर पड़ेगा? लास्ट क्वेश्चन। तो मुझे तो लगता है संभवी पे शनि मंडराया हुआ है अभी तक, तो आगे देखिए भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इलेक्शन में कुछ कहना अभी मूर्खता रहेगा कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन अभी तक के माहौल पे लगता है कि शनि जो है वो संभवी पे मंडराया हुआ है। जैसा कि आपने देखा बहुत ही सुंदर तरीका से विनोद जी यानी कि जवाब दिए हैं, आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है आपके क्षेत्र के बारे में? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ।